नमस्कार। कभी कभी पता है आपको, अपन क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट खो देते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है, कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा और हर इंसान के साथ तो होता है। अपन सोचते हैं, अरे यार सामने वाला क्या सोचेगा, अरे यार उसके दिमाग में क्या आएगा, बस उसको सोच के अपने आप की रेस्पेक्ट खो देते हैं। भले ही अपन सही होते हैं, सामने वाला गलत होता है, फिर भी अपन को लगता है उसको खुश रखना है, तो अपन अपनी रेस्पेक्ट खो देते हैं। और मजे की बात यह है कि अपन को पता ही नहीं चलता है कि कब किस वक्त अपन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो रहे हैं। आप भी ध्यान रखना, कोई सी भी कंडीशन हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट मत खोना कभी। एक बार आपने अपनी रेस्पेक्ट खो दी ना, फिर आपको अपने वापस अपनी जो खुद की वैल्यू क्रिएट करने में बहुत टाइम लगेगा। कहता है ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट बनाने में बहुत टाइम लगता है और खोने में यूं चुटकियों में खो लेते। तो अगर आप भी ऐसा करते हो, दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोते हो, तो ऐसा कभी मत करना। खुद को करे एक्सेप्ट। आप यह मत सोचना कि उसको मेरी यह आदत पसंद नहीं है, उसको मेरा यह पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी आदतों में बदलाव लाओ। सबसे पहले एक बात याद रखना, कोई भी इंसान अगर आपको दिल से चाहता है, अगर आपका दिल से सम्मान करता है ना, तो आप जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करेगा। वो ये नहीं चाहेगा कि मैं हूं जैसा सामने वाला बदल जाए, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और जो इंसान ऐसा चाहेगा ना, वो आपको सच्चे दिल से नहीं चाहता होगा। आप अपने आप को दूसरों के लिए क्यों बदलते हो? जैसे हो वैसे रहो, तभी आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहेगी। वरना अगर जैसा दूसरा आपको बदलना चाहेगा और आप बदल जाओगे, तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे रहेगी? इट विल स्पॉइल, वो तो खत्म हो जाएगी। तो दूसरों के अनुसार अपने को ना बदले, जैसा है वैसे अपने आप को एक्सेप्ट, स्वीकार करें कि हां, कन्फेस करें कि मैं हूं जैसा हूं। जैसा कहेगा वैसा क्या, मैं अपनी आदतों में बदलाव क्यों करूं, मैं जैसा हूं वैसा रहूं। तब तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बनी रहेगी, वरना तो क्या, सामने वाला आपको बदलेगा और आप बदल जाओगे, तो उसमें आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। सेकंड, दूसरों को हावी न होने दे। कभी कभी दूसरे लोग ऐसे हावी रहते हो काम के मामले में या और किसी व्यवहार के मामले में और किसी भी मामले में। अधिकतर लोग तो, अरे यार मैं ये काम नहीं करूंगा, उसको ये काम पसंद नहीं है, वो सामने वाला वो क्या सोचेगा, अरे यार वो कहेगा यार तूने ये काम कैसे कर लिया यार। हेवी मतलब दूसरों पर मतलब हावी रहना। इसलिए कभी भी दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आप जो कार्य कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार कार्य वाकई में सही और मैंने सही किया, तो सही किया। दूसरा आके अगर आपको कहेगा नहीं यार ऐसे नहीं किया, तेरे को ऐसा करना चाहिए था, तूने वैसा क्यों किया, तो कहने दो। अगर आप अपने आप को, अपने आप के ऊपर दूसरों पर हावी होने दोगे ना, कोई दूसरे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे ना, तो आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो दोगे। आप अपना स्वयं का काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप देखो, अरे यार वो सामने वाला आएगा और कहेगा यार ऐसे कैसे काम किया है, मतलब आप सोचोगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आप हर कार्य, छोटा मोटा कार्य सामने वाले से पूछ के करोगे, तो फिर आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कहां गई, तो आपकी सेल्फ वैल्यू कहां गई। आप हर कार्य सामने वाले से पूछ रहे हो और सामने वाला आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो फिर आपकी रेस्पेक्ट कहां गई। सामने वाले को कभी भी हावी ना होने दे। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट मत खोना। जैसे है वैसे बने रहना और अपने और दूसरों को अपने आप पर हावी मत होने देना, वरना आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी।